दोस्तों, राजस्थान के एक गांव में 300 साल से एक इच्छाधारी नागिन आज भी जिंदा है और एक विशाल बरगद पेड़ पर बैठ वो अपने नाग का इंतज़ार कर रही है। दोस्तों, कहते हैं कि एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के प्रति बहुत वफादार होती है। उनका प्रेम इतना गहरा होता है कि 7 जन्मों तक वो अपने प्यार को निभाने की ताकत रखते हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा राजस्थान के एक गांव अजीबी में देखने को मिला। दरअसल इस गांव से लगभग कुछ दूरी पर ही एक खंडरनुमा किला है। उसी के पास एक बड़ा सा विशाल बरगद का पेड़ है, जहां अक्सर उस रास्ते से जाते यात्रियों को वो नागिन दिख ही जाती है। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि एक दिन नागिन जब अपनी नाग के पास नहीं थी तो एक बड़ी सी चील ने नाग को दबोच लिया और दूर उड़ाकर ले गई और नाग को मार डाला। वहीं नागिन अपने नाग के वियोग में आज भी करीब 300 साल से उसी बरगद के पेड़ पर अपने नाग का इंतज़ार कर रही है। उसी नागिन के बारे में कहा तो ये भी जाता है कि कई बार लोगों ने उसे स्त्री के रूप में भी देखा है। अक्सर दिन के समय जब सब कुछ सुनसान हो जाता है, कई लोगों ने उस पेड़ से पैरों के पायलों के बजने की आवाज़ सुनी है और रोने की आवाज़ भी वहाँ से आती है। लोग बताते हैं कि वहाँ नागिन अपने नाक के वियोग में अक्सर रोती है और अजीबोगरीब आवाज़ें निकालती है। गांव वाले तो इस जगह से रात के समय जाते ही नहीं हैं। तो दोस्तों, जो भी महादेव के भक्त हैं और नागदेव पर विश्वास रखते हैं, वो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिख दें।